हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अर्का जैन यूनिवर्सिटी 2021 एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ गाइस, अर्का जैन यूनिवर्सिटी 2021 का जो एप्लीकेशन है गाइस, वो रिलीज हो चुका है। किस तरह से आप एप्लीकेशन हम फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर इनकेस कोई भी नया अपडेट या नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अर्का जैन यूनिवर्सिटी 2021 एप्लीकेशन फिल करने के प्रोसेस को। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दी, उस लिंक पे क्लिक करना तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे न्यू एप्लीकेंट और ऑलरेडी अप्लाई, तो न्यू एप्लीकेंट में आपको सिंपली यहाँ पे आपका जो फुल नेम है वो फुल नेम सबसे पहले एंटर कर देना होगा। देन गाइस यहाँ पे आप लोगों का आपका जो ईमेल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस एंटर कर देना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों का आपका जो है मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद सिंपली आई एग्री पे क्लिक करके गेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा। अब गाइस जैसे आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे गाइस, तो वहाँ पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पे जो है ओटीपी आप लोगों के मोबाइल पे एक भेज दिया जाएगा। आप लोगों को वो सिंपली जो ओटीपी आपके मोबाइल पे भेज दिया जाएगा गाइस, उस ओटीपी को नोट डाउन करना है। सो गाइस सिंपली आप लोगों को जो मोबाइल पे ओटीपी जो मैंने नोट डाउन करने का था, वो यहाँ पे एंटर करके रजिस्टर पे क्लिक कर देना होगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे गाइस, तो रजिस्टर पे क्लिक करते ही आप लोग जो है यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे। और रजिस्टर होने के बाद गाइस आप देख सकते हैं आप लोगों के सामने इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको एकेडमिक सेलेक्ट कर लेना है, यूजी कोर्स, पीजी कोर्स या फिर डिप्लोमा, जो भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए तो कोर्स आपको यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे कोर्स ओपिनियन सेलेक्ट कर लेना आपका। देन सिंपली यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल्स जो है एंटर कर देना, लाइक आपका जेंडर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। जो भी आपको हर एक डिटेल यहाँ पे जो करेक्ट सिंपली एंटर करनी होगी। उसके बाद गाइस आपको फादर्स नेम एंटर कर लेना है। यहाँ पे आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन है या यस या नो में आपको आंसर देना, हॉस्टल आपको चाहिए या नहीं वो आपको यहाँ पे जो है आंसर दे देना होगा। उसके बाद सिंपली आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है, एजुकेशन डिटेल फिल करनी होगी। उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे अपना एडमिट कार्ड अपलोड कर देना है स्कूल का। देन एंट्रेंस एग्जाम आपने कौन सा अपीयर किया था, किस भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपने अपीयर किया, यस या नो में आंसर देना होगा। सिंपली डिक्लेरेशन पे यहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। आप जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली जो है नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे जो है फर्दर आगे चले जाएंगे। अब गाइस जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो वहाँ पे जाने के बाद गाइस आप लोगों को जो है और थोड़ी सी डिटेल्स पूछे, कुछ सारी डिटेल्स आपको सिंपली फिल कर देनी होगी। और वो डिटेल्स फिल करने के बाद गाइस आप लोगों को अप्लाइंग चार्जेस पे करने कहा जाएगा, वो पे करके आप लोग आसानी से जो इस एप्लीकेशन को फिल करके सबमिट कर पाएंगे। नाउ इनकेस अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम फेस होती है, कोई भी इशू होता है गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दी गई है। वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू आप हमें बता सकते हैं, हम ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर।